अब मैं गाड़ी का पानी जो है वो चेक करने लगा हूँ। हमें अपने कामों को मौसम से मजबूत नहीं करना चाहिए। एहसास नहीं चेक कर लो। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई काशी फरोखपाज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल काशी फाउंडी। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला और इस वक्त आपको मैं ज़रा इनफॉर्मल हालत में नज़र आ रहा हूँ क्योंकि ज़रा जगह जाने लगे हैं हम। मैं उसकी वजह बताती हूँ। हाँ जी, आप बताएँ इसकी क्या वजह है। इसकी वजह यह है कि हमें इस गर्मी में एक बजे इसलिए हमें निकलना पड़ा कि हमें एक रेसिपी बनानी थी, उसके लिए हमें एक पैन चाहिए था। हमने कहा कि चलो कुछ ग्रॉसरी भी आइटम्स ले लेंगे और साथ पैन भी ले लेंगे। और बेगम जान इस वजह से नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो कैमरा उन्होंने पकड़ा हुआ है और रिकॉर्डिंग वो कर रही हैं। जी, अब आप अपना काम शुरू कर दें। जी जी, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। रिकॉर्डिंग को मैं साफ कर रहा हूँ। जाने कहते हैं अपनी गाड़ी और अपनी बेगम को खूबसूरत रखना चाहिए। अब मैं उधर से आके इसका बाकी साफ करता हूँ। गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है और लगता है कि काफ़ी आज गर्मी होगी। एक बजे का टाइम है दोपहर का और टेम्परेचर भी अपने रूप पे है और तकरीबन आई थिंक 43 या 44 के लगभग का टेम्परेचर है और अपना काम हमें तो नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, जो जिस हद तक मुमकिन हो हम कर दें। क्यों भाई, ठीक है ना? हाँ जी, हमारा प्रोग्राम ऐसे ही था। फिर हमने कहा कि चले अपने प्यारे प्यारे देखने वालों के साथ भी हम अपनी एक्टिविटी को शेयर करें। ये हमारी माशाल्लाह प्यारी सी गाड़ी है, छोटी सी, तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने दी है, इंशाल्लाह हमें अल्लाह और भी अच्छी देगा। हम मेहनत करते रहेंगे और आपकी मोहब्बतें चाहिए हमें। अब इस पे हमने पानी गाड़ी का चेक करना है। अब मैं गाड़ी का पानी जो है वो चेक करने लगा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है चीज़ें चेक करना, तेल गाड़ी का तेल भी और पानी खासतौर पर, क्योंकि अगर इसमें भी कमी हो जाए पुराना खासा तो फिर वो प्रॉब्लम दे सकती है। और पिछले दिनों हमने एक जगह जाना था शहर में, तो बस जल्दी जल्दी में निकल आए इसलिए पानी चेक करना याद नहीं रहा, तो उस वजह से गाड़ी ने कुछ थोड़ी प्रॉब्लम कर दी थी। तो अब मैं इसमें पानी भरने लगा हूँ बोतल से, जिसकी वजह से मुझे एक घंटा गाड़ी में बैठकर गर्मी का सामना करना पड़ा। ओके, जब वो मैकेनिक आया, शुक्र अल्लाह का मैकेनिक अवेलेबल हो गया फोन पे, उसने आके फिर गाड़ी ठीक की, तो उस रात तक गाड़ी में ही बैठे रहे हम। अब हमने पानी कर लिया है तो अब हम आपको मिलते हैं। जी, अब पानी इसमें कर दिया, अब इसको कोर्ट को बंद करता हूँ। ये बंद हो गया तो अब हम इंशाल्लाह ड्राइविंग के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अब हम जाने लगे हैं और आपको शॉपिंग दिखाते हैं।
मौसम चाहे कोई भी हो, ज़्यादा गर्मी का हो, ज़्यादा सर्दी का हो, बरसात का हो, बारिशों का मौसम हो, हमें अपने कामों को मौसम से दूर नहीं करना चाहिए। कम से कम हम तो ये ऐसा नहीं सोचते, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो कामों को मौसम से मजबूत करके पेंडिंग कर देते हैं, यानी अभी गर्मी ज़्यादा है तो काम नहीं करना, या सर्दी ज़्यादा है, या बारिशों का मौसम आ रहा है, या तेज़ बारिश है, तो अपने कामों को काट जाना चाहिए। इसमें गैर ज़रूरी डिले करने से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो जाती हैं, इसीलिए इस शिद्दत के मौसम को, गर्मी को हमें नहीं देखा। अल्लाह हर एक को अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन हमने कहा कि जो काम करना है वो तो करना ही है ना। अब हम इस दुकान पर आ गए हैं और मैं हॉर्न देता हूँ, देखें अगर बंदा आता है तो फिर से हम चीज़ें लेते हैं अपनी। हेलो भाई जान, हेलो भाई जान, चमचे लगान वाला स्टैंड, ठीक है, चीजा मिल जाएगी। ये सांस पैन है, नजर आ रहा है, ये सांस पैन चेक कर लो, ठीक है। अच्छा भाई जी ने किन्ने का सांस पैन? ये सर 900 रुपए का लूंगा। 900 रुपए का? जी। अच्छा तो मैं प्यार में फंसा लूं। अरे यार तुम प्यार में बंद करके ये हेलो। अच्छा तो प्यार में फंसा बगैर किन्ने ना सी? ये 1300 का बच्चे है। अच्छा तो सानू तुसी स्पेशल प्यार में बच्चे है, चलो थोड़ी बड़ी मेहरबानी। ते अच्छा ए जाली किन्ने दी ते है किन्ने दा? जाली 300 रुपए दी। अच्छा ते ए वाला जेड़ा स्टैंड है, ए किल्ली जेड़ी है? किल्ली भी 100 रुपए दी सर। 100 रुपए दी, चलो इने जी प्यार कर दो सानू इकट्ठा ही। ए तां मुहब्बत कर के कह रहे, वैसे 150 रुपए तो 180 दा पीस दे जा इक। चलो 1000 रुपए दी साडी की साडी की ना कर दो। चलो 1100 रुपए सर कर दो। अच्छा कोई गल नहीं भाई जी, 1000 रुपए दा प्यार मुहब्बत लगा दो सानू। मैं तुम्हें मिलने ना, तुम्हारे पुराने कस्टमर हैं, ठीक है, चलो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें देना वो पैसे। मैं जी हमने ले ली है चीज़ें, और भाई ने बड़ा अच्छा हमारे साथ तआवुन किया है, इनकी ये दुकान है, यहाँ पे बर्तनों की और हर किस्म की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल होती है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इनको पेमेंट करते हैं। हमने जो जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली हैं। अचानक हस्बैंड साहब को नज़र पड़ी है तरबूज पर, जैसा कि उनको बहुत पसंद है, और वो कह रहे हैं कि ये भी ले लें, इसीलिए एहतियात से गाड़ी पैक करके हम पीछे जा रहे हैं। तरबूज वाले को आवाज़ दी है, अब बंदा आता है तो उससे हम पूछ लेते हैं। ये देखें कितने अच्छे तरबूज हैं माशाल्लाह, और इस मौसम में गर्मियों में तो इनको खाना बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है भाई जान, किन्ने का तरबूज है? 100 रुपये का। 100 रुपये का प्यार दे नाल? चलो ठीक है, पीछे रख दो। हमने जो जो लेना था अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है, अब हम घर जाके आपको मिलेंगे। आप हमारी ये वीडियो देखें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इंशाल्लाह अब मेरी अपनी अगली नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।